हेलो एवरीबॉडी। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है अबाउट एल्विश का, जो इनके जो केसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड कि एक सांप वाला केस तो डेफिनेटली था, और शायद कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का भी कोई बोल रहा था। अब कितना सच है नहीं है मुझे नहीं पता, बट हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। ओके, तो लेट्स सी क्या हमको पता चल सकता है। ओके, डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पे भागा दौड़ी है। Gods, goddess, angels, archangel Michael, spirit gods and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for us. Can we please know what is really happening with Elvish का जो केसेस उस पे चल रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ? Can we please know? Yes. क्या हो रहा है उसके केस के साथ? आई थिंक आई रिमेम्बर कि इस महीने का जो उसका वी मंथली गाइडेंस था, उसमें कुछ फ्रीडम जैसा चीज आया था। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो है बट उल्टा है। अभी कुछ डिसीजन मेकिंग चल रहा है, शायद प्रोसेस में है। यस, वी डोंट नो इट। कुछ तो डिसीजन मेकिंग चल रहा है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है बट ये उल्टा आया हुआ है। बट दिस इज फ्यूचर। यहाँ के डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है कि चीज़ें क्या होंगी। बट बहुत सारी चीज़ें अभी पर्दे के पीछे हैं, शायद लोगों को पता नहीं है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। फोर ऑफ सोर्ड रिवर्स में आया है, मैटर ऊपर आया है। ये मैटर ऊपर आया है। एक चीज़ और जो मैं पकड़ रही हूँ वो ये है कि जो चीज अंदर में छुपी हुई थी ना, क्योंकि इफ यू सी दिस दिस फिगर इज सिटिंग ऑन दिस सोर्ड, इसके अंदर में ये दिख नहीं रहा है। तो जो भी एक अंदर की चीज थी, क्वाइट पॉसिबली जो चीज वो शायद छुपा रहा था, क्योंकि ये अंदर का ही कार्ड है, ये ऊपर आ गया है और उस पर डिसीजन मेकिंग चल रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये तलवार तो इनके इनके नीचे ही थी, इनके शैया के नीचे ही थी, जो कि अभी रिवील हो गया है, क्योंकि ये तलवार अब ऊपर में हमको दिख रहा है। अब ये तलवार जो ऊपर में दिख रहा है, तो अभी क्या हो रहा है, ये पास्ट की चीजें हैं। जो पास्ट में कोई चीज उसके पास थी वो रिवील हुई है, यही अब मुझे पता चल रहा है, यही मैं पिक कर रही हूँ। एंड क्योंकि जो भी चीजें अंदर में छुपा के रखी हुई थी, इस चीज के नीचे थी, वो रिवील हुई है। वहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रहा है अभी। बहुत सारा गाइडेंस हमको नहीं पता है अभी, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा हो गया है। बट वहाँ पे फ्रीडम का भी कार्ड आया था उसे, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसके फेवर में भी जा सकता है, अगेंस्ट भी जा सकता है। अभी तो फिलहाल अगेंस्ट में है, क्योंकि अभी ये अगेंस्ट में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी जो प्रोसीडिंग्स हो रही होगी ना, चीजें शायद उनके अगेंस्ट में जा रही होगी उसके, इसीलिए यहाँ पे ये इस प्रेजेंट एनर्जी से चीजें बाहर रिवील हुई। अभी डिसीजन मेकिंग चल रहा है, माने मामला कोर्ट में है, बहुत ही सीरियस ढंग से बोलो, या फिर मामला अभी कोर्ट में ही है, माने कि गुई पार्ट में है, डिसीजन मेकिंग है। अभी क्या हो सकता है ना, दो चीजें हो सकती हैं, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून फिलहाल तो जिस तरह से सिचुएशन है, इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम, इनके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि इनकी जैसी भी एनर्जी है, उस एनर्जी के हिसाब से चीजें व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में आ रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पे अगर आप हाई प्रीस्टेस को देखो, तो चीजें अंदर कुछ भी रिवील हो सकता है, और क्वाइट पॉसिबली ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसके फेवर में भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हमको बहुत सारी चीजें हमको भी पता नहीं है, हाई प्रीस्टेस ने अपने पास रखा हुआ है, तो वो चीज भी है। तो अभी जो मैटर है ना इनका, लीगल केसेस का जो भी है इनका, ये गुई पार्ट में है। गुई पार्ट में मतलब कि बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर, माने कि एक नाजुक मोड़ पे है, आप ऐसा बोल सकते हो, एक टर्निंग पॉइंट पे भी है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। जो भी चीज बाहर आई है उस पर डिसीजन मेकिंग चल रहा है अभी, और अभी गुई पार्ट पे है, सेंसिटिव है, नाजुक मोड़ पे है, कहीं भी टर्न हो सकता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हालांकि
कुछ चीज आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिलहाल गुई पार्ट में है और चीजें इनके लिए टफ हैं, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी टफ हो रहा है, उल्टा आया हुआ है। लेकिन क्या हाई प्रीस्टेस आएगी और अंदर के कुछ कार्ड्स रिवील करेगी और इसके व्हील ऑफ फॉर्च्यून को इनके फेवर में करेगी, दिस इज येट टू बी सीन। बट फिलहाल सिचुएशन इनके लिए डिफिकल्ट बनी हुई है और इसी डिफिकल्ट सिचुएशन की एनर्जी इनके व्हील ऑफ फॉर्च्यून को भी उल्टा कर रही है। बट वी कैनॉट इग्नोर कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है और प्लस हाई प्रीस्टेस आई है, ये कुछ कार्ड्स रिवील करके क्या इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को इनके फेवर में करेगी, क्योंकि ये फ्यूचर की एनर्जी है, फ्यूचर की एनर्जी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे मेजर डिसीजन मेकिंग चल रहा है। हालांकि वन थिंग इज डेफिनेटली दैट वी नो इज दैट इट्स सिचुएशन इज डिफिकल्ट फॉर हिम। अब हम देखते हैं कि ओके वाओ, यहाँ पे कंप्लीट हीलिंग है एंड ऑल दोस थिंग्स है, तो डेफिनेटली सिचुएशन तो डिफिकल्ट है क्योंकि ये भी कार्ड हीलिंग स्ट्रेस का है। स्ट्रेस काफी बढ़ गया है, मुझे ऐसा लगता है पास्ट कुछ दिनों से स्ट्रेस बढ़ा ही हुआ है, क्योंकि ये अंदर ये जो नीचे वाला कार्ड है ऊपर आ गया, ये सोर्ड अब ऊपर दिख रहा है, तो ये जो स्ट्रेस मुझे लग रहा है कि जैसे बढ़ गया होगा। गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश फॉर हिज केस, ये वाला कार्ड है। यस, इनको कोई भी एक्शन करने के लिए अब नहीं बोला गया है। नाउ इज द टाइम टू बी स्टिल, वैसे तो यहां पे काफी स्टिल ही है। नाउ इज द टाइम फॉर हिम टू बी स्टिल एंड नॉट एक्ट, सिंपली ब्रीद एंड फोकस ऑन योर ओन पावर, लेट अदर्स कम टू यू। तो अभी कोई भी अननेसेसरी हरकत नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी जैसा मैंने आपको बोला है चीजें थोड़ा नाजुक मोर पे हैं। अब ये यहां से इधर भी टिल्ट हो सकता है, इधर भी टिल्ट हो सकता है, तो कुछ भी करके चीजों को बिगाड़ना तो डेफिनेटली नहीं चाहिए, है ना, वो चीज लग रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली, डिजायर टू कंट्रोल पीपल, अगर वो यहां पे कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ना तो चीजें बिगड़ सकती हैं। तो सरेंडर टू नॉन एक्शन, जो जैसे चल रहा है उसको चलने दो। मैंने अपनी कुछ ऊपर से सोर्स पैरवी करके चीजों को शायद मुझे नहीं लगता यहां पे बोला जा रहा है ठीक करने के लिए। सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल, लेट थिंग्स फ्लो, है ना, वो चीजें हैं। यहां पे है ट्रंप कार्ड, विल द हाई प्रीस्टेस रिवील समथिंग, विल सम गुड कर्मा ऑफ पास्ट विल कम एंड सेव हिम, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो है, मैटर डेलिकेट है तो उल्टा आया हुआ है, लेकिन ये फ्यूचर का कार्ड है एंड यहां पे एक वाइज डिसीजन जो होगा, जो कि यही है कि चीजों को नॉन एक्शन में रखो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अगर आप एक्शन करके करते हो तो डेफिनेटली ये चीज तो बिगड़ जाने वाला है, ठीक है, बट मे बी अगर यू जस्ट लेट इट बी, रिलीज कर दो, सरेंडर कर दो, हो सकता है कि आपके कुछ गुड कर्माज हाई प्रीस्टेस छुपा के रखी हुई है और वो यहां पे चेंज ला दे, लेकिन इसको चेंज बस अब हाई प्रीस्टेस ही कर सकती है ना, तो वो चीजें हो गई हैं। और क्या हो सर रहे, तो मैटर डेफिनेटली अभी थोड़ा डेलिकेट फेज पे है वो, हालांकि उसका मंथली गाइडेंस में है ब्रेक फ्री, रिमेम्बर दैट, तो वो गुड, एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है उसका। तो अगर वो नॉन एक्शन करके दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है, केस को भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है, तब तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स विल सपोर्ट हिम, कुछ गुड कर्माज निकलेगा, ये हाई प्रीस्टेस क्या छुपा के रखी है वही जानती है। बट अगर आप इसमें मेडलिंग करते हैं तब तो दिस इज व्हाट इज फॉर यू। चलो, गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश फॉर हिज लीगल केसेस, देखते हैं कि क्या गाइडेंस आता है इनका। गाइडेंस फॉर एल्विश, एग्जैक्टली, देख रहे हो ना, नॉन एक्शन एंड ट्रैंक्विलिटी, मेक टाइम टू रिलैक्स, क्योंकि यहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ चुका है और अभी जैसा मैं बार बार आपको पिक भी कर रही हूं, बहुत ही एक सेंसिटिव मोड पे है चीजें, डेलिकेट मोड पे है, नाजुक मोड पे है, जो भी बोलिए। मेक टाइम टू रिलैक्स, बी स्टिल, एग्जैक्टली, नॉन एक्शन करना है, स्टिल रहना है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एंड एंजॉय योर सॉलिट्यूड, इंडल्जिंग इन मच नीडेड सेल्फ केयर, अभी तो आपको सेल्फ केयर की ही जरूरत है वैसे। और यहां पर ये चीज है, शुड वी टेक व्हाट एनर्जी इज बीइंग प्लेड हियर, थीम निकालते हैं लीगल केसेस के लिए।
God's God is angels, Archangel Michael. Dear angels, can we know the theme that is playing at a bigger picture? What is the theme in this legal case? एलविश का जो लीगल केस है इसमें थीम क्या है? विजडम से काम लेना पड़ेगा, ईगो से काम बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ये देखो, इंटरेस्टिंग, दिस इज एग्जैक्टली द कार्ड जो कि इसके मंथली गाइडेंस में आया था। जो गेटवेज का कार्ड मैंने निकाला था उसमें एक बड़ा सा बर्ड था, एंड आई थिंक आई वॉज टॉकिंग ऑल्सो अबाउट दिस थिंग इन दिस वीडियो, है ना। फ्रीडम, फ्रीडम का बात मैंने बार बार बोला है ना। कंप्लीशन होने वाला है किसी चीज का, चलो ठीक है। देखिए, तो यहां पे बार बार एक चीज बोला जा रहा है कि क्या होता है कि जब हम किसी चीज में फंसे रहते हैं ना, तो हमारा ईगो बहुत ही डर जाता है, फियर में रहता है, फियर बेस्ड एनर्जी रहती है। तो क्या आप फियर से कुछ भी हड़बड़ी में ऐसा काम करते हो कि मैटर और बिगड़ जाता है? बार बार नॉन एक्शन की तरफ इशारा हो रहा है। किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ना ही सिचुएशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, माने कि एक्सटर्नल ढंग से उसमें मेडल नहीं करना है। और इम्पॉर्टेंटली है यहाँ पे क्या, विजडम, यानी कि ईगो से ऑपरेट नहीं होना है। जब आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो, या फिर सिचुएशन को ही क्यों ना आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप ईगो से ऑपरेट हो रहे हैं। एंड विजडम इज नॉट अ ईगो थिंग, इट्स अ सोल का थिंग। तो कहीं 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 ना कहीं एक सोल लेसन आ रहा है, कर्मा है एंड ऑल दोस थिंग्स है। तो लेट थिंग्स हैपन। अगर आपके कुछ गुड कर्माज हैं तो आपका ये बर्ड आपको आके प्रोटेक्ट कर लेगा, जो कि मैं पिक भी कर रही हूं यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अभी की टेंस एनर्जी के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा है, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कुछ गुड कर्माज होंगे तो वो हाई प्रीस्टेस विल सेंड दिस बर्ड एंड विल डिलीवर यू फ्रॉम दिस चैलेंज। बट आपका काम यही है कि तुम शांत होके बैठे रहो। अगर मैं मंथली गाइडेंस में जाऊं, वहां पे भी एक बर्ड का शो अप करना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। तो क्वाइट पॉसिबली मुझे लगता है अगर ये कुछ अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाए तो चीजें बिगड़ेंगी नहीं, और कहीं ना कहीं से मुझे लगता है ये बर्ड आके इसकी नैया पार तो लगा देगा, क्योंकि हाई प्रीस्टेस आई है, कुछ तो हो सकता है उसके पास है। अब कौन से काज हैं हाई प्रीस्टेस ही जानती है, बट यहां पे उसको विजडम से काम लेना है, ईगो से काम नहीं लेना है। ईगो से काम करके चीजों को कंट्रोल करेगा तो क्या है, बेसिकली आप तोड़ मरोड़ करके उसको बर्बाद ही करने वाले हो। मैं तो यही पकड़ रही हूं। अब देखो क्या होता है यहां पे, ये बर्ड का आना और मंथली गाइडेंस में भी बर्ड का आना इज नॉट अ कोइंसिडेंस। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर योर एलविश फॉर हिज केस। अगर अपनी दिमाग ज्यादा नहीं लगाएगा तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स उसको पारघाट लगा देगा। बट अगर आप ये करते हैं और ये करते हैं तो शायद यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा पड़ा है। सो दिस इज व्हाट इट इज। आई होप दिस हेल्प्स यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन। बाय फॉर नाउ।